हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। और घर में बैठे बैठे जो है बोर हो गए हैं हम। पहले तो बाहर आना जाना होता था तो थोड़ा अच्छा लगता था, अब जो है घर में खाना बनाओ, खाओ और सो जाओ, बस यही दिनचर्या हो रहा है। आपके यहाँ भी ऐसे ही हो रहा होगा। और फ्रेंड्स, जो है आज मैंने लंच में बनाया है अंडा करी और साथ में है चावल। तो आज मैं थोड़ा अंडा कढ़ी अलग तरीके से बनाने वाली हूँ। मतलब अलग तरीके से ये है कि इसमें जो आलू हैं उनको मैं बस ऐसे ही रखूँगी। मैं अलग अलग तरीके से बनाती रहती हूँ हर चीज़, ऐसा नहीं कि बस एक ही तरीके से बनाऊँगी मैं। और इस यहाँ पर देखिए, मैंने अंडा और आलू को मैंने उबाल कर छील लिया है, ये उबले हुए हैं, इनको मैंने छील कर साफ़ कर लिया है। और साथ में यहाँ पर मैंने दो छोटे टमाटर लिए हैं, एक प्याज लिया है और लहसुन, अदरक और हरी मिर्च ली है। तो चलिए पहले हम जो है मसाला इसका तैयार कर लेते हैं। और मैंने ये लहसुन और अदरक जो ये ईमानदस्ता में डालूंगी और इसमें कूट लूँगी बारीक करके। इसका जो है फ्लेवर अलग ही आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैं कूट लूँगी इसे और बारीक इसका पेस्ट बना दूँगी। तो यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर को भी जो है चॉप कर लिया है। तो चलिए अब कढ़ाई रखते हैं और गैस ऑन कर लिया है मैंने। यहाँ पर डाला है मैंने सरसों का तेल। सरसों का तेल से ना एक तो कलर भी बहुत अच्छा आता है और इससे स्वाद भी आता है। और जो रिफाइंड हम यूज़ करते हैं ना, रिफाइंड से जो है अच्छा नहीं होता है और सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता है। रिफाइंड सरसों का तेल जो है हमारे सेहत के लिए भी अच्छा होता है, लेकिन ज़्यादा तेल वैसे खाना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो है तेल गरम हो गया है और मैंने इनमें डाल दिए हैं अंडे। और यहाँ पर इनको मैं ब्राउन कर दूँगी अंडे को, और उसके बाद मैं इनको निकाल लूँगी। तो यहाँ पर देखिए अंडे ब्राउन हो चुके हैं, इनको मैं निकाल लूँगी प्लेट में, उसी प्लेट में निकाल रही हूँ मैं, ज़्यादा बर्तन नहीं करूँगी। और साथ में यहाँ पर जो ये आलू थे मैंने ये हाफ हाफ काटे हुए इस तरह से, तो इनको भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। और बाकी जो थोड़ा सा आलू बचे हुए उनको मैं मैश करके इनकी ग्रेवी बनाऊँगी। और ये मैंने फ्राई कर लिए हैं, इसी तरह से मैं इनको फ्राई करूँगी जैसे कि मैंने अंडे किए हैं फ्राई। तो यहाँ पर देखिए ये भी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनको भी हम निकाल लेंगे उसी प्लेट में। अंडे और आलू जो है हमने फ्राई कर लिए हैं, बाकी जो ये थोड़े आलू बच गए हैं इनको मैं मैश कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने एक बड़ी इलायची डाल दी है, उसी तेल में डाल दिया है एक पत्ता। और यहाँ पर मैंने प्याज इसमें डाल दिया है, एक मीडियम साइज़ का प्याज था, इसे हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। और साथ में मैंने ये यहाँ पर अदरक लहसुन मिर्च हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया है वो भी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब हम टमाटर डाल रहे हैं यहाँ पर। और इसके बाद जितने भी आप मसाले यूज करते हैं अपने स्वाद के अनुसार सारे मसाले हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, मिर्च पाउडर है और जो है नमक मैंने स्वाद के अनुसार यहाँ पर ऐड किया है। एक चम्मच मैंने गरम मसाला का ऐड किया है। और वैसे मैं ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करती हूँ, मैं बस मसाले ठीक ठाक रखती हूँ क्योंकि ज़्यादा मसाले खाने भी नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिए मैंने आलू को पीस लिया है अच्छे से और इनको मैंने इसमें ऐड कर लिया है मसाले में। इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर जो है हम पानी भी ऐड कर लेंगे, जितना आपको पानी चाहिए इसमें, ग्रेवी चाहिए उतना हम पानी ऐड करेंगे इसमें। और यहाँ पर देखिए मैंने ग्रेवी इतनी ही रखी है। और यहाँ पर जो है ये अंडे और आलू जो है हम इसमें डाल देंगे। और इन आलूओं को मैंने काटा नहीं है, आज मैं इसी तरह से बनाऊँगी और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और एक या दो मिनट तक हम लो फ्लेम पे इसे थोड़ा सा पकने देंगे, यानी कि इसमें जो है अच्छे से मसाला मिक्स हो जाए। और उसके बाद जो है बस ये तैयार है। इसमें मैंने हरा धनिया भी ऐड कर लिया है थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये लंच थाली जो है बनकर तैयार है, अंडा कढ़ी भी बनकर तैयार है और साथ में मैंने बनाए हैं चावल और साथ में रखे हैं सलाद। तो ये परफेक्ट लंच थाली बनकर तैयार है। तो चलिए अब खाना शुरू करते हैं।
तो ये है मेरी लंच थाली, और आज मैंने ना ये ग्रेवी अलग तरीके से बनाई है। वरना तो बहुत ही थिक ग्रेवी में बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने ये इनमें आलू जो है ना ये इस तरह से मैंने डाले हैं। ये बिल्कुल हाफ़ किए थे मैंने आलू, और इसी तरह से मैंने इनको फ्राई किया है, और इसी तरह से मैंने इनको रखा हुआ है। मैंने इनको ज़्यादा मैस नहीं किया है और ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े भी नहीं किए हैं। ये कुछ अलग तरीके से मैंने आज बनाया है। अलग अलग तरीके से मैं बनाती रहती हूँ, ऐसा नहीं कि सब एक ही तरीके से बनाना है, अलग अलग ट्राई करना चाहिए। और ये जो है परफेक्ट जो है लंच बनकर तैयार है फ्रेंड्स। तो आप भी खाइए, आप भी आइए खाना खाने। तो फ्रेंड्स जो है आई होप आपको ये रेसिपी, ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।